बीकानेर में एक मंदिर है माता करणी का। दूर दूर से श्रद्धालु देशनोक स्थित माँ करणी मंदिर आते हैं। उनके भक्त मनुष्य ही नहीं बल्कि काबा भी हैं। काबा यानी चूहे, जो यहाँ कोने कोने में बसते हैं। इसलिए तो इस मंदिर को काबा वाली माता का मंदिर भी कहते हैं। देखिए, ये मंदिर जो 600 साल प्राचीन है और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वही करणी माता का मंदिर है। और करणी माता ने जन कल्याण के लिए, संसार कल्याण के लिए बीकानेर और जोधपुर बड़ी भाई रियासत थी, इनका स्थापना करना, एक राज देना और सुशासन व्यवस्था करना, पर्यावरण के लिए करणी माता ने गो कल्याण के लिए अपने सराहनीय कार्य किए थे, आज भी वो चल रहे हैं। और ये मंदिर में अपने आप में एक अद्भुत और अविश्वसनीय है। इस मंदिर में जब चूहे देख रहे हैं, उनको यहाँ बोलते हैं काबा। ये करणी माता का परिवार है, हम लोग हैं। हम लोगों का डेथ होता है तो हमारा नेक्स्ट रिबॉर्न इन कामों के रूप में होता है। हम धर्मराज यमराज के पास नहीं जाते हैं, सभी सिस्टम यही है हमारे और यही हमारा चलता है। मंदिर करीब 600 साल पुराना है। कहा जाता है कि 151 वर्ष तक भौतिक रूप से इस संसार में करणी माँ ने जीवन निर्वहन किया। जन कल्याण और परस्पर सौहार्द के लिए माँ करणी ने हमेशा काम किया। बीकानेर रियासत के साथ ही जोधपुर रियासत की संस्थापिका के रूप में माँ करणी को जाना जाता है। जन जन की आस्थाओं का केंद्र करणी माता का 600 वर्ष पुराना मंदिर है। विक्रम संवत 1444, तदनुसार 20 सितंबर 1387 को माता जी का जन्म हुआ था। 151 वर्ष इन्होंने भौतिक शरीर रख करके मानव मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा की, समर्पित, उनका संपूर्ण जीवन समर्पित था। जब माता जी का जन्म हुआ तो यहाँ छोटी 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 स्टेटें थी, वो आपस में लड़ना झगड़ना लूट खसोट इस टाइप की एक अनाचार की पराकाष्ठा थी। तो मातेश्वरी ने एक सामाजिक अव्यवस्था देखी तो उस समय के जो प्रभावशाली लोग थे उनको आपस में कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करके जोधपुर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों की स्थापना की। इनके पीछे माताजी का जो राजनीतिक उद्देश्य था वो यही था कि आम जन सुरक्षित रहे, उनको संरक्षण मिले, उनको व्यवस्था मिले। माँ करणी की कृपा का गुणगान पूरा बीकानेर करता है। लोग 21 साल पहले की उस घटना का जिक्र करते हैं जब एक आग ने सब कुछ तबाह करने की ठानी, लेकिन माँ ने विभीषिका से बचा लिया। इस भरी दोपहर में भी माँ करणी के दर्शन करने के लिए इतने श्रद्धालु आए हैं और मैं भी यहाँ पे आया हूँ दर्शन करने के लिए। और मैं आपको एक माँ करणी के चमत्कार की घटना बताता हूँ। आयुध डिपो कांड जो बीकानेर में एक घटना हुई थी, उसमें बम बारूद गोले मिसाइलें काफ़ी वहाँ पे ट्रक भरे हुए थे, लेकिन और आपने देखा भी होगा कई मिसाइलें बीकानेर के इर्द गिर्द गिरी भी थी, लेकिन ये सब माँ करणी का चमत्कार थे। इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहें। आपने देखा होगा कि उस दौर में भी इतना आशीर्वाद रहा माँ का बीकानेर के ऊपर कि उस घटना में कोई भी हानि नहीं हुई, जबकि मिसाइलें कई जगह गिरी थी। तो कुछ ऐसी ही महिमा है करणी माँ की, आम हो या खास, सब माँ का आशीर्वाद पाने की अभिलाषा से आते हैं, शीश झुकाते हैं और झोलियाँ भर कर जाते हैं। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास की रिपोर्ट।